एक्सरसाइज वो बताई थी बस आपने थोड़ी। हाँ ओके ठीक है, एक हाँ बार जी एक्सरसाइजेस रिव्यू कर देंगे कि क्या क्या करवा रहे थे, मैं फटाफट ऐसे ही बता दीजिए क्या क्या एक्सरसाइजेस चल रही थी आपकी। एक मिनट, हेलो। मैं तो नी वो करना है, ये नी ऐसे करना है, ये वाला ठीक है ठीक एक ही पीछे ये वाला बताया था आज में से प्रेस है। हाँ करना है इसको, फिर ये इसके लेवल में करके ये उठाना है ऐसे, फिर ठीक है ठीक है ठीक इसको क्रॉस करके उठाना है जी। टेन है, परफेक्ट टेन रैप है इसके 3 टाइम, ठीक है। और वे लेग हैंगिंग एक्सरसाइज होती है जी वो वाली, हाँ ठीक है ठीक बस यही बताई थी जी। है। अब आपकी नी बेंडिंग शुरू करनी है तो आप एक बार पैर को सीधा रखिए, मेरे को दिखाइए कुछ लैग है या कुछ और है। ठीक नहीं लैग मेरा तो है नहीं जी उसके, है, एक बार साइड से फोन दिखाएंगे, बाहर की तरफ से फोन। लो ठीक है, लैग नहीं है, ठीक है ओके परफेक्ट। हल्का हल्का नी बेंड करना शुरू करेंगे आप, नी मोड़िए कितना हो सकता है, इतना उम्र जाएगा मैडम। मोड़ के दिखाओ ना, ये सीधे वाले पैर में मोड़ के दिखाओ ना, खींचो बैठ के। हाँ अपनी तरफ बेंड करें, बस ये इतना हो जाता है जी। ठीक है। अब आपको नी बेंड कैसे करना है ना, नी बेंडिंग मैं बताऊंगी, पैर को सीधा कर लीजिए। हाँ जी हाँ अब आपको क्या करना है, वो एक दुपट्टा ले लीजिए और पैर पे रैप कर दीजिए उसको। अंकिता, एक दुपट्टा लेकर आइए। थोड़ा जी ऊपर जहाँ पे उंगलियां पैर में जा रही है ना, मिलती है जिधर, जिस ऊपर थोड़ा सा और। हाँ एग्जैक्टली इधर। अब दोनों सिर को एक एक हाथ में पकड़ लो। पकड़ लिया जी, हाँ आधी अब ना। और किसी को दे रही थी आप। हाँ जी लो, हम दे रहे हैं जी एक बार, छोटे हाँ जी बच्चे हैं मैडम, ना करते हैं। हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आराम से चलो जी ठीक है, बेंड कर लीजिए, बेंड करिए। करें। हाँ जितना मोड़ सकते हो आप उतना मोड़ो। उसके बाद जहां पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे अब रुकावट आ रही है, वहां से दुपट्टा हाँ पकड़ जी पैर को धीरे से पीछे खींचो, बहुत जोर से नहीं खींचना, धीरे से यहाँ खींच। पर बांधना है जी पूरा हाँ यहीं करेक्ट, बंधा पे। हुआ सही बंधा हुआ एकदम, मोड़िए। जी इतना है, बहुत है अब तो। जितना आप खींच पा रहे हो खींच के फिर पैर को सीधा कर दीजिएगा, ऐसे मोड़ना शुरू करना है। अभी तो आपके हाथ में फोन है तो आप नहीं खींच पा रहे हो, वरना आप सीधा लेट के एक एक हिस्से को एक एक हाथ में पकड़ के खींचना पैर को अपनी तरफ। ठीक है मैडम, ठीक है, ये ऐड करना है आपको। एक और चीज जो आपको शुरू करनी है वो है कि आप इसकी तरफ बैठ जाइए, इसके सहारे बेड के सहारे बैठ जाइए, ये हटा दो। गए मैडम, बैठ गए सारे। नहीं लटका के बैठ रही, जैसे कुर्सी पे बैठते हैं ना, पैर लटका के बैठना है जी। पैर लटका के बैठना, बिल्कुल ये तो उतार दूं जी, अब तो निकाल दीजिए। लेओ जी लटका के बैठ गए। हाँ जी धीरे 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 करके पैर को मोड़िए, हाँ आप पीछे हो जाइए ताकि ये जो घुटने का पिछला हिस्सा है वो बेड के टच में आ जाए। अगर हाइट छोटी लग रही है तो आप एक पिलो के ऊपर बैठ जाइए। ठीक है मैडम, कोई नहीं, ठीक है, मोड़ लीजिए मोड़िए। अब जब बोल आपको लिया बैठे जी। हुए मोड़ना है ना, तो जो दूसरा सही वाला पैर है उसको आगे रख लो, सर्जरी वाले पैर के ऊपर, जी आगे ऊपर ऊपर। हाँ और अब इससे पीछे की तरफ धक्का दीजिए, दे दिया जी, ठीक ठीक है। जितना ये पैर है। टेढ़ा पीछे नहीं जाना चाहिए, सीधा पीछे जाना चाहिए, ये टेढ़ा जा रहा है ना आपका, टेढ़ा नहीं सीधा ही पीछे जाएगा, जोड़ के बैठो। समझ गया हाँ और ठीक है जी, की तरफ खींचो, बहुत है जी इतना तो। इधर होल्ड करना है 10 सेकेंड और उसके बाद रिलैक्स कर लीजिए, फिर दोबारा मोड़िए। जी ये ना ऐसे नहीं हो पाएगा, आप थोड़ा हाइट पे बैठो तो एक आध पिलो लेके आप उसके ऊपर बैठो, ठीक है। और अब जब पैर को सीधा करना है, अंकित जी कैमरा चला गया आपका,
यस हाँ, और इसको जब सीधा करना है तो ये जो ऑपोजिट वाला पैर है उसको पीछे लगा लू। अच्छा ठीक है जी, ऐसे करके ऐसे। और पुश करना है, पुश करो, पूरा पुश करो, पूरा सीधा करो। हाँ, और होल्ड करो। अब आप जब ये कर रहे हो तो जो थाई है आपके ऊपर वो बेड से उठ के हाँ निकलती है, और जी आपको पीछे नहीं गिरना है, आप सीधा बैठो, आप पीछे गिर रहे हो, ठीक बैठो, है जी, पैर को ऊपर उठाओ, होल्ड करो उधर 10 सेकंड तक, और पैर को मोड़ो, धीरे धीरे करके मोड़ लो। हाँ, शाबाश, ठीक है। अब पैर को सीधा करो दोबारा। परफेक्ट, ठीक है, और मोड़ दीजिए। नी बेंडिंग तो आपको ऐसे शुरू करनी है, ठीक है मैडम। वॉकिंग ठीक है। उसके बाद अभी वगैरह जी, अभी अभी और 1-2 हफ्ता आपको बिना वजन डाले चलना, अच्छा जी ठीक है। तो अभी सिर्फ बेंडिंग, धीरे धीरे बेंडिंग शुरू करवा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, जो आपका वो है क्या नाम है, जो आप सीधा पैर उठा रहे हो और आप टेढ़ा लेके पैर उठा रहे हो, उसमें आप 1-1 किलो वेट डालना है, ठीक है मैडम। ठीक है। और सीधा लेट जाइए, मैं एक एक्सरसाइज बढ़ाऊंगी। ये 2 एक्सरसाइज है जो शुरू करना है आपको, लो जी लेटी ठीक है। तीसरे के लिए आपको क्या करना है, दोनों ये आप वो कर रहे थे ना, दोनों हील के नीचे एक फोम रोलर या वो रख रहे थे आप, लिया ऐसे नहीं, हील के नीचे सर, हील के नीचे, एड़ी, एड़ी के नीचे, एड़ी के एडीए नीचे नीचे ले जी। है। हाँ, पीछे लेटो और ये तकिए को सिर्फ एड़ी के नीचे करना है, थोड़ा दूर कर दीजिए। हाँ, अब इसमें अपने घुटने के ऊपर 1 किलो वेट रखना है आपको, ठीक ठीक है। 1 किलो वेट रख के आपको इस पोजीशन में लेटना है 10 मिनट तक। 1 किलो, एक पिल्लो नहीं, 1 किलो, अच्छा 1 ठीक है जी, ले आएंगे पानी 1 किलो वेट रखना है, ठीक है। वो अगर नहीं है ठीक तो है मैम। आप नमक की थैली रख दो उसके ऊपर, ठीक ठीक है जी, है। यहाँ पे रखना हाँ, है यहाँ हाँ, ठीक ठीक है। ये एक्सरसाइज शुरू करना है, दो नी ठीक बेंडिंग की एक्सरसाइज शुरू करने है, बाकी जो एक्सरसाइज है उसमें वेट डालना है 1-1 किलो का। ये वाली एक्सरसाइज बताना कैसे करनी, कौन सी वाली? ये पिल्लो तो रख लिया जी यहाँ पे एज पे एडी के नीचे, यहाँ वेट रख लिया, क्या करना है किलो वजन डाल के लेटना है बस, ये लैग के लिए कि पैर सीधा रहे आपका। अच्छा, लैग तो है नहीं मैम वैसे। नहीं, वो अभी नहीं है, आप करो जो मैं बोल रही हूँ आप करते रहो, ठीक है। एक और चीज शुरू करना है, सीधा लेट जाइए और ब्रेस डाल, ब्रेस है आपके पास? ब्रेस मैम, ब्रेस दिया है आपको? हाँ ब्रेस, दिया था मैम। हाँ, ब्रेस इस राइट वाले पैर में ब्रेस डाल दीजिए। ब्रेस तो हम यूज करते नहीं, अब तो ठीक हो रहे हैं। अच्छा, आप जब ये एक्सरसाइज करोगे तो ब्रेस डाल देना, मैं बताती हूँ कैसे करना है। सीधा लेट के जो आपका लेफ्ट वाला पैर है उसको मोड़ लीजिए, ठीक मोड़ लिया जी, है। उसके बाद ये राइट वाले पैर को सीधा ऊपर उठाना है, सीधा ऊपर उठाओ। हाँ, इधर होल्ड करो, और अब हाँ, इधर होल्ड करो, और अब अपने कमर को ऊपर उठाओ, हाथ को बेड पे रख दो, हाथ को बेड पे रखो, और अब यहां से अपनी कमर को ऊपर उठाओ, उठा लिया जी। ठीक है। ऊपर उठा के 5 सेकेंड होल्ड करके नीचे रखना है पैर को, ठीक ठीक है, है। ये एक्सरसाइज और आप चालू कर दीजिए, और इसमें 1 किलो वेट डाल देना, इसमें नहीं, इसमें सॉरी, इसमें वेट डालना है, बाकी एक्सरसाइज में 1 किलो वेट डालना, ठीक है मैडम। ठीक है। नी बेंडिंग मेरे को यहाँ पे हुआ था जी पेन बस, तो मैम हाँ जी, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे नीचे, हाँ, यहाँ पेन हुआ था वो ऐसे, ये वाली एक्सरसाइज कर रहा था, ये वाली एडी वाली एक्सरसाइज कर रहा था ना, तो यहाँ हाँ एकदम कट जैसी आवाज आई नीचे, कोई अच्छा, मसल वगैरह एकदम हो गया था। हाँ हो गया था, नहीं कुछ तो कोई एक प्रॉब्लम दिन नहीं, दो दिन अभी तो कुछ पेन, कर अभी तो नहीं कर रहा, लगता है जैसे अगर माइनस, अभी अगर ऐसे नीचे ऐसे को यहां से दबाऊंगा ना इसको गोड्डे को नीचे, हाँ
तो यहाँ पीछे कोई मसल है उसमें दर्द होता कई बार। अच्छा, तो आप उधर पीछे वाले हिस्से में एक तो आइस लगा दो, और दूसरा एक काम करो कि जो आपके पास घर में कोई बॉल या कुछ पड़ा है क्या, हाँ है मैम बोल। बॉल को पीछे अपने एड़ी, ये घुटने के पीछे जिस जगह पे दर्द होता है ना, वहां पे बॉल को टाइम देख के 2 मिनट तक रगड़ना है ऐसे। तो अगर ये बॉल है, ये एड़ी का पिछला हिस्सा है, तो इसको ऐसे रगड़ना है उसके ऊपर, के पीछे रगड़ना है जी। हाँ ठीक पीछे रगड़ना है ऐसे। ठीक है मैडम, है, ये करना शुरू कर ठीक दीजिए। है। कोई और डाउट है एक्सरसाइज में सर? ये सारी एक्सरसाइज ना आपने, आप कैमरा अपनी तरफ कर दो पहले। ठीक यस मैम हाँ, ये सारी एक्सरसाइजेस ना रिकॉर्ड करके एसीएल विनर पे डालना है आपको, ताकि मैं देख पाऊँ कि आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। ठीक है, मतलब एक हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा बताने के लिए कि क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है। ठीक है, तो सारी एक्सरसाइजेस करते हुए वीडियो बना के एसीएल विनर पे आप डालिए शाम तक या कल तक। कुछ चेंज करना है, कुछ मॉडिफाई करना है तो मैं बताऊंगी। ठीक है।